जे एस एस सी सी जी एल एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है, उस अपडेट पे हम चर्चा करेंगे। जे एस एस सी सी जी एल का एग्जाम आखिर कब होगा और हर छोटी छोटी जो भी न्यू अपडेट्स आई हैं उन हर एक बिंदुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख ये मोड़ चुके, किसका दिल चाहता है यारों घर का सुख चैन गवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए जीवन सफल बनाने को। दोस्तों, ये एक छात्र ने मेरे लिए लिखा था कि सर ये स्थिति है कि फेस्टिवल का माहौल बना हुआ है, अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स आ रहे हैं जा रहे हैं और विद्यार्थी के जीवन में पर वही संघर्ष है, वही कठिनाई है और वही एग्जाम को लेकर उनके माइंड में टेंशन है। कई विद्यार्थी हैं जो छठ में घर नहीं गए जा रहे हैं, दिवाली हो रहा है घर नहीं गए, लॉज में ही रहे हैं, एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। उनके लिए सब पर्व त्यौहार एक ही बना जाता है कि काश वो एक दिन नौकरी ले ले और अपने घर पे जाए, जिस उम्मीद से उनके माँ बाप उनको खर्च देकर पढ़ा रहे हैं, उनको उम्मीद रहता है कहीं बड़े शहर जाएंगे तो एग्जाम की तैयारी करेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे, उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जाता है। पर सरकार हमारे झारखंड में एग्जाम ले तो निकाले ना, वो 4 साल में एक नियुक्ति भी नहीं ले पाती है सरकार। अब क्या कहिएगा आप बताइए, वो है इसीलिए लाचार, उनका कोई नहीं है परेशानी और दुख दर्द अगर सिवाय एग्जाम उनका बस ले लिया जाए। वो एग्जाम लेंगे, वो निकाल लेंगे, ये मेरा दावा है, उनकी तैयारी इतनी अच्छी चली रहती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ रीजंस का कि क्या क्या रीजंस हैं जिनके कारण एग्जाम इतना डिले हो रहा है, सरकार कहीं ना कहीं इसमें विफल हो रही है। पहला रीजन तो देखिए, हमारे जो रमेश हासदा जी हैं उनका रीजन सबसे बड़ा तथ्य है यहाँ पे बना हुआ। क्यों, आपको पता होगा रमेश हासदा का केस अभी चल रहा है जो कि एक लैंग्वेज पेपर को लेके था उनका, कि हिंदी वहाँ पे जुड़ जाए, और दूसरा था कि जो 10th 12th किए हैं झारखंड से, जो जनरल कैटेगरी के भी हैं या नहीं किए हैं, वो अगर जनरल कैटेगरी के हैं वो भी एग्ज़ाम यहाँ से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सके, जेटेट का स्पेशल। तो यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं कि केस मुकदमा चल रहा है, उस केस का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा है। सरकार तो सरकार, यहाँ पे न्यायालय भी बहुत देरी कर रही है अपने जजमेंट को देने के लिए। और क्यों देरी कर रही है, इनका कारण तो वही समझे, क्योंकि न्यायालय से ज़्यादा ऊपर तो कोई है नहीं। उनको समझना चाहिए कि यहाँ छात्र हित के लिए हमें जितनी जल्द हो सके सारी जितनी भी रिजल्ट है और उनकी जो भी पेंडिंग जजमेंट है उन हर एक को निकाला जाए और सरकार को निर्देश दिया जाए कि अति शीघ्रता से सारे एग्जाम ले लिया जाए और छात्रों के हित में उन एग्जाम्स का रिजल्ट भी जल्द से जल्द मुहैया करा जाए। पहली बात तो एग्जाम अभी हो नहीं सकती, अगर फिर भी एग्जाम अगर जेएसएससी ले ले तो क्या हो सकता है। हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एग्जाम आखिर जेएसएससी क्यों नहीं ले रही है। अरे ले भी लेगी तो फिर बाद में फिर इस पे केस होगा, फिर ये केस आपका करेगा तो एग्जाम को फिर कैंसिल करना होगा, फिर वहाँ पे एग्जाम कैंसिल होगा, फिर से एग्जाम लेना होगा और तरह तरह के नए मुसीबत आपके सामने आएगी। जिसका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा उनको लगेगा कि नहीं एग्जाम अच्छा गया, वो फिर केस करेंगे कि क्यों कैंसिल हो गया। तो एक से बढ़कर एक नया विपत्ति आपके सामने उभरता जाएगा और उन विपत्तियों से आप अपने मुख नहीं मोड़ सकते और उनसे आप दूर नहीं जा सकते अगर आपका एक सटीक सॉल्यूशन जब तक नहीं निकल जाता हमारे पास। अभी आपको पता है कि जेएसएससी ऑनलाइन एग्जाम लेने वाले थी बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मुझे जहां तक लगता है छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये ऑफलाइन एग्जाम ही लेगी और ऑफलाइन एग्जाम अगर लेगी तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं लंबा समय लगेगा अभी यहाँ पर तैयारी में इसके लिए। अभी तक सेंटर पर निर्धारित नहीं किया गया है कि कहाँ पर एग्जाम कौन सा एग्जाम लिया जाएगा, जी कि जिसमें हम बोल सकते हैं सरकार प्लस जेएसएससी की बहुत बड़ी विफलता यहां पे दिख रही है। नोटिफिकेशंस का भी आपको पता होगा, नोटिफिकेशंस आया हुआ था, उसमें भी मैंने भी कहा था और उसमें लिखा हुआ भी था कि रमेश हासदा का जो केस है उससे ये एग्जाम भी प्रभावित हो सकता है बट अभी तक कोई फिक्स नहीं है। मेरा कहना तो पिछले वीडियो में जिसमें आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं मैंने बनाया हुआ है कि देखिए यहां पर एग्जाम का जो डेट है वो आपका मार्च या फरवरी तक जा सकता है। हम शुरू से आपको बोल रहे हैं एग्जाम का डेट को अपडेट देते दे रहे हैं आपको और हमारा अपडेट हमेशा कभी गलत नहीं हुआ है, हमारा एनालिसिस बोल सकते हैं जिस पुख्ता सबूत के साथ हम काम करते हैं। तो हमारा एग्जाम का जो डेट है वो पक्का निर्धारित किया गया है कि फरवरी से लेके मार्च तक है कि सरकार इसको ले सकती है। बात करते हैं दोस्तों जजमेंट की, तो जजमेंट का बात कर रहे दोस्तों, जजमेंट अभी भी आने में कम से कम 1 से 1.5 महीना का समय लग सकता है। अभी पता आपको त्योहारों का समय चल रहा है, अभी छठ आने वाली है, छठ आएगी, जब छठ बीत जाएगी उसके बाद फिर समय मिलता है नवंबर में अगर सरकार को, अगर वो थोड़ा जागृत होती है और छात्रों के हित में सोचकर अगर जजमेंट जल्दी निकाला जाए
तो ही यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में आने के बाद फिर एक त्यौहार आता है जो कि क्रिसमस होता है, वहां पे फिर केस मुकदमा आपका बंद हो सकता है क्योंकि कोर्ट और न्यायालय की छुट्टी होती है। ऐसे बहुत सारे मौके हैं, अभी सरकार के पास एक महीना का समय है। अगर वो एक महीने के अंदर अगर वो जजमेंट दे देती है तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा लाभकारी और छात्र हित के लिए बहुत बड़ा अच्छा साबित होगा। 2023 में एग्जाम का साल जरूर बन सकता है, 2022 तो विफल हो गया, पर 2023 हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सरकार के पास समय बहुत कम बचेगा और उस कम समय में वो चाहेगी कि हम जितने ज़्यादा लाभ दे सके जनता को, क्योंकि वो 3 साल का जो भी नफरत है वो मोहब्बत या प्यार में तब्दील हो सके, वरना उनका जो बाकी का जीवन है वो करियर खराब हो सकता है उनका चुनाव क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे आपको करना क्या है महत्वपूर्ण काम। सबसे महत्वपूर्ण काम करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स आने वाले हैं। हम सरकार से सीधी तौर पे बात करेंगे एग्जाम को लेकर और उसका अपडेट आपको देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कीजिए और साथ में हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में JSSC CGL को लेकर जो भी छोटे छोटे अपडेट्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो हम आप तक पहुंचा सके और आप उसको समझ सके और सुन सके। 1932 के खातियान पे लागू होने पर आपके JSSC जितनी भी एग्जाम लेगी उन पे क्या असर पड़ेगा, कितना गहरा असर पड़ेगा, इसको अगर आपको नहीं पता, ये जानना चाहते हैं आप, तो आप इस आइकन पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। हमारे बाबा धाम देवघर में, बाबा की नगरिया में बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, उसको चेक करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट इस लोगो पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करके, हमारे जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनसे भी जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनसे ऐड हो सकते हैं।